कुछ दिन पूर्व पूर्णिया के के नगर प्रखंड के काजहा गणेशपुर में एक मामला हुआ था। वहां के सरपंच पति के द्वारा एक लड़की की पिटाई की गई थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी मीडिया के द्वारा चलाया गया और वो सरपंच पति अभी जेल में है। उस मामले में एक पहलू अब और जुड़ गया है, वो पहलू ये है कि वो लड़की जिस लड़की को पीटा गया था वो लड़की अभी हमारे साथ मौजूद है और ये पूर्णिया एसपी को आवेदन देने आई है। मामला ये है कि लड़की वापस अपने मायके यानी कि माता पिता के पास चली गई थी, किंतु इसके बावजूद वहाँ से फिर लापता हो गई और इसके माता पिता ने यानी कि काजल कुमारी के माता पिता ने भवानीपुर थाना में केस दर्ज कर दिया और उसमें फिर एक मरतबा उसी लड़का को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद काजल कुमारी पूर्णिया एसपी को ये आवेदन देने आई है कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, इनका अपहरण किसी के द्वारा नहीं किया गया है। और अभी पूर्णिया एसपी कार्यालय में काजल कुमारी है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान का क्या मामला है और इससे पहले जो मामला हुआ था सरपंच के साथ वो क्या है। अच्छा काजल जी, आप हमको बताइए कि अभी आप एसपी साहब के यहाँ क्या बताने के लिए आई? क्या बताने के लिए सर, का वो सब अपना मन से हम जब शादी किए फिर दोबारा आए, शादी करके हम अपना ससुराल आए, सर में ही रहेंगे तो वो लोग फिर काहे दोबारा केस कर दिए। तो फिर हम जब मेरा आधार कार्ड पर नाबालिग नहीं है ना, अबालिग है, तो फिर दोबारा काहे केस कर दिए। आपके माता पिता का तो कहना है क्या कि आप नाबालिग हैं? नाबालिग ना है, अबालिग है, कैसे है? तो वही आधार कार्ड ने बनाए, तो वही आधार कार्ड हम लेकर आए हैं, मेरा मम्मी पापा ने बनाए हैं। तो स्कूल से सर्टिफिकेट बना करके? सर्टिफिकेट तो हम नहीं पढ़े हैं, 3-4 क्लास पढ़े हैं बस, उसका बाद हम छोड़ दिए। तो 8 क्लास का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे तो डुप्लीकेट होगा, तो हम कैसे वो सर्टिफिकेट के मान देंगे? तो हम पढ़ाइए छोड़ दिए, 3-4 क्लास पढ़े उसका बाद छोड़ दिए। तो आपका उम्र 20 साल हो रहा है अभी? हाँ 20 साल हो रहे हैं। आप किससे शादी किए? अजीत कुमार से। तो लेकिन आपके माता पिता ने तो अजीत कुमार पर अपहरण का केस कर दिया है? अपहरण का केस के वही तो बयान देने के लिए आए हैं एसपी के पास, तो वही बताने के लिए एसपी साहब के यहाँ आए? हाँ। कि आपका अपहरण नहीं हुआ है? नहीं, आप शादी कर लिए? हाँ शादी कर लिए, अपने ससुराल में रहे थे, ससुराल में ही रहेंगे। अभी ससुराल से ही आप यहाँ आए? हाँ ससुराल से आए हैं यहाँ। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले एक मामला हुआ था और सरपंच वहाँ के जो थे सुरेंद्र, सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने आपके साथ मारपीट किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था, वो क्या मामला है पूरा? वो मामला है, वो बोले सरपंच साहब ने क्या तुम शादी के हैं तुम्हारे वहाँ ससुराल भेजा देंगे, इसीलिए वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर दिए हैं। तो बोले कि फिर मेरा मम्मी वो सरपंच बोले कि साइन एक नंबर पंचनामा कागज़ बनाए, वो पंचनामा कागज़ में वो सब तो साइन किए, बोले साइन करके तुम जाइए अपना घर। हम बोले हम नहीं जाएंगे, हम शादी कर लिए तो हम ससुराल में ही रहेंगे। तो बोले नहीं तुमको जाना पड़ेगा, तो वही जो है ना वो बोले कि साइन कीजिए कागज़ पर। हम बोले हम नहीं करेंगे, नहीं किए तो मारपीट किए, मारपीट करके नहीं किए साइन, ज़बरदस्ती वो अंगठा का निशान लगा करके वो अपना मेरा घर भेजा दिए। अच्छा वहाँ सिर्फ सरपंच ही आपके साथ मारपीट किया था और कोई मारपीट? नहीं सरपंच ही मारपीट किया था। अच्छा वो जो वीडियो में जितना दिख रहा है उतना ही तो मारपीट हुआ था, उसके बाद भी हुआ था? उसका बाद देर ये मारपीट हुआ था, वो वीडियो चुरा करके बनाए थे थोड़ा सा, तो वही वीडियो वायरल किए हैं। वो थोड़ा सा है? हाँ थोड़ा सा, मारपीट से ज्यादा कहीं ज्यादा हुआ था? हाँ ज्यादा हुआ था। तो फिर आपको एक तो और वीडियो आया था जिसमें कि सिर्फ ऑडियो सुनाई पड़ रहा है, उसमें चिल्लाते हुए आपको गाड़ी में लोड करते हुए ऐसा कुछ साउंड दिखाया? नहीं, वो तकनी मार रहे हैं, वो तकनी वो मार रहे हैं, वो अंदर में मार रहे हैं, सब आदमी निकाल करके वो सरपंच ने सबको निकाल दिए थे बाहर, सबको बाहर कर दिया था? हाँ सबको बाहर कर दिए थे। अच्छा वो डंडा जो ला रहा है वो कौन था? वो अथी है बिजली कोड़ा वाला तार ना है, वही है, उसी लेके मार रहे थे। कितना डंडा मारा होगा आपको? 10 डंडा मारा है। 10 डंडा मारा? हाँ। जो साइन नहीं कर रहे थे इसीलिए? हाँ। लपड़ थप्पड़ से भी मारा? लपड़ थप्पड़ से पहले मारे, तब भी नहीं किया साइन तो वही कोरा लेके तब मारे, मार करके तब जबरदस्ती अंगूठा का निशान दिलवा करके तब भेजा दिए घर। तो आप अपनी मर्जी से उस पर साइन नहीं कर रहे थे? नहीं किए थे। हाँ, नहीं। अच्छा उसके बाद आपको आपके माता पिता के यहाँ पहुँचा दिया? हाँ। तो फिर आप वहाँ से कैसे भाग गए? वहाँ से हम क्या किया, वहाँ पर से गए तो वहाँ दबाव दे रहे थे मेरा मम्मी सब ने, मेरा दीदी से सब तो दबाव दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे, इसीलिए हम जाए वहाँ से आपस चले आए हम अपना ससुराल, ससुराल में रहेंगे अब नहीं जाएंगे। यहाँ से आपको ले गया? हाँ। आपको अपना घर, आपका माई बाप और वहाँ
वहाँ दबाव दे रहे थे, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, फिर वो लोग पर केस कीजिए, यही बोल रहे थे। केस करिए? हाँ। क्या क्या केस करिए? क्या केस करिए, जबरदस्ती लेकर के भागे हैं उतना उतना आदमी ने, यही शादी करवाए जबरदस्ती, यही सब बयान दीजिए, वहाँ थाना ले गए थे। आपके साथ मारपीट किया था, वो जेल चला गया, पता है? हाँ पता है। तो वो जेल चला गया, तो उसके बाद तब फिर कौन दबाव दे रहा था, आपका मम्मी पापा? हाँ, मेरा मम्मी सब, वही सरपंच कह रहे थे कि उसका उसका बीवी सनी ने उसको, मेरा मम्मी सबको सिखाते उसको, लड़की को फिर बयान दिलवाइए, गलत सलत करवाइए, उस सब पर फिर केस करवाइए, केस कीजिए। सरपंच पति है उसकी पत्नी, यानी कि जो सरपंच है वही दबाव अब बनवा रहा है? हाँ, वही दबाव बनवा रहा है, मेरा मम्मी सबको सबको बोल रहे हैं ऐसे कीजिए, लड़की को जब चले देंगे या बेटी तो वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए, लड़की को बोलिए केस करने के लिए, फिर दोबारा वो सब अंदर जाइएगा। आप केस नहीं किए तो क्या? हमने के हम मारपीट करने लगा तो हम वहाँ चले आए अपना ससुराल। तो आपको आने दे दिया वहाँ से? वहाँ से नहीं, फिर चुरा करके चले आए। कैसे चुरा के आए आप? चुरा करके आए, सब तो सो गए थे, हम बस घर से निकल गए। आपका कोई पहरा वहरा नहीं कर रहा था? नहीं, परा कर रहे थे सब, तो किधर चले गए उधर, बस निकल गए। मोबाइल भी था आपके पास कि नहीं था? मोबाइल नहीं था। यूज नहीं करते थे मोबाइल वगैरह? तो आपका सब कुछ यहाँ देखा हुआ था, पहुंच गए? देख, हम देखा रहे थे। उसी दिन आ गए? हाँ। तो शादी कहाँ की आप? शादी किए थे मंदिर में। जो पहले वाला शादी किए थे वही किया हुआ रहा कि फिर बाद में? नहीं, वही कर रहे थे शादी, वही किया हुआ है। अभी आप पति के घर से ही यहाँ? हाँ, पति के घर से। एसपी साहब को बताने के लिए? हाँ। आपके पति कहाँ है अभी? अभी घर पे है मेरा पति। लोग घर पे है? क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। ससुराल कहाँ पता है आपका नाम? हाँ। किस गांव में है? सबुत्तर। सबुत्तर में? हाँ। कजा गणेशपुर बैरगाछी में? हाँ। बैरगाछी में है ना? हाँ। पति का नाम क्या बताया? अजीत कुमार। पापा का नाम? दिनेश मंडल। घर कहाँ है आपका? सोनमा। थाना कौन पड़ता है? भवानीपुर ओपी अकबरपुर पड़ता है। ओपी अकबरपुर पड़ता है। ये मामला आप समझ रहे हैं कि ये भवानीपुर ओपी का मामला है, और ये काजल कुमारी वही काजल कुमारी है जिसके साथ सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी ने मारपीट की थी और उनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। और उसके बाद जानकारी ये भी हम लोगों को मिली थी कि लड़की को उनके माता पिता को सौंप दिया गया है, लड़की अपने मायके में है, लेकिन एक मरतबा फिर से वहाँ से काजल कुमारी लापता हो जाती है और उसके माता पिता के द्वारा भवानीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, जिसमें अजीत कुमार को फिर से आरोपी बनाया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने अपहरण किया है। और उसी मामले को लेकर के काजल कुमारी एक मरतबा फिर से एसपी साहब को आवेदन देने के लिए आई है कि इसका कोई अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने खुद से शादी की है, पति के साथ रह रही है और ये पूरी तरह से बालिग है, वही बताने के लिए आज पूर्णिया एसपी कार्यालय में आई हुई है और यही हमसे मुलाकात हुई है और हमने क्या पूरा मामला है वो आपको समझाया। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।